The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाता हूं। सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड होती है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। और आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनस हेडेक, साइनस एलर्जी, साइनोसाइटिस, क्रोनिक कोल्ड क्यों होता है, क्यों सर्दी बार बार हो रही है, साइनस क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे ठीक होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सारी जानकारी आज एक वीडियो में हम डाल देंगे। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, साइनोसाइटिस होता है जब आपके जो चेहरे पे साइनस हैं उनके अंदर के इधर सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। और साइनोसाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस। क्यों होगा साइनस, होता क्या है साइनोसाइटिस। साइनस मतलब आपके शरीर में, आपके चेहरे पे, आपके माथे पे दो साइनस है, फ्रंटल साइनस, आपके यहाँ पे दो साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, और आईज के बीच में यहाँ पे दो साइनस है, इथमोइडल साइनस, राइट। सो ये जो साइनसेस हैं, इन साइनसेस बेसिकली ये हवा भरी जगहें हैं आपके स्कल के अंदर। ये आपके क्यों होते हैं, इसका काम है हवा भरना ताकि आपके स्कल हल्का रहे। और दूसरा, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहता, कोई जर्म नहीं रहता, और ज़्यादातर जो म्यूकस रहता है इसके आर पार लाइनिंग में छोटे छोटे बाल होते हैं वहाँ पे, जो म्यूकस को बाहर ऐसे ऐसे फ्लश करते रहते हैं, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, वैसे इसको सीलिया बोलते हैं, छोटे छोटे बाल। और ज़्यादातर टाइम पर ये म्यूकस बाहर निकल जाता है, ड्रेन होता है, ताकि इनमें हवा भरी रहे। अब क्या होता है, जब भी साइनस ओपनिंग बंद हो जाए किसी भी कारण से, ब्लॉक हो जाए, या उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा बन जाए जो ब्लॉक कर दें, तब बैक्टीरिया वहाँ पे आराम से ग्रो कर सकते हैं, राइट, या वायरसेस या फंगस ग्रो कर सकता है। तो क्यों होगा, तीन पर्टिकुलर रीजन है इस तरीके का ब्लॉकेज या साइनसाइटिस होने का। नंबर वन, अगर उसके अंदर जो छोटे छोटे बाल है, जो सीलिया है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे और म्यूकस को धक्का नहीं मार रहे। और ये ऐसा होता है कई पर्टिकुलर बीमारियों की वजह से, जो अलग बीमारियां हैं जिसके वजह से रेकरेंट बार बार साइनस इन्फेक्शन होता है। और अगर आपको एलर्जीज है, बार बार सर्दी होती है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, गाढ़ा म्यूकस बनता है, इस वजह से बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है और आपके साइनसेस भर सकते हैं। या फिर आपके नाक में जो सेप्टम है बीच का, वो टेढ़ा है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, या नाक के अंदर कोई पॉलिप है, कोई स्पर है नेजल, तो उसके वजह से भी आपका नाक बंद हो सकता है या साइनस की ओपनिंग ब्लॉक हो सकती है। इन सब कारणों की वजह से साइनस भर जाएगा, साइनस में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो साइनस में इन्फेक्शन दो प्रकार का होता है, या तो एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। एक्यूट का मतलब कि आपको साइनस का इन्फेक्शन कुछ दिनों के लिए, यानी कम, यानी चार हफ्ते से कम होगा टाइम का, चार हफ्ते से कम टाइम का इन्फेक्शन को एक्यूट कहते हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरियाज की वजह से होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑन दी अदर हैंड, इसका मतलब यह है कि आपको इन्फेक्शन, साइनस का इन्फेक्शन बीच बीच में होते 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 3 महीने या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर किसी बैक्टीरिया या फिर फंगस की वजह से हो सकता है। और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं ऐसे इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस बार बार होने के, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस होता है, हे फीवर, फ्लू होता है बार बार, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अगर आप डे केयर में जा रहे हैं बार बार, अगर आप को कोई सीलिया की बीमारी है जिससे कि सीलिया सही से काम नहीं कर रहे, अगर आप एल्टीट्यूड चेंज करते हैं बार बार, फ्लाई करते हो, स्कूबा डाइवर हो, आपके एडिनोइड्स बड़े बड़े हैं, या आप स्मोकिंग करते हो, आपकी साइनस का स्ट्रक्चर ही थोड़ा नॉर्मल है, या आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, एचआईवी इन्फेक्शन है, या कुछ ऐसे कारणों से भी होता है, राइट। तो अगर हो गया साइनोसाइटिस तो क्या होगा साइनोसाइटिस में, एक्यूट साइनोसाइटिस में, ज़्यादातर लोगों का एक्यूट साइनोसाइटिस होता है एक सर्दी के बाद, कोल्ड के बाद, राइट, जो कि कोल्ड अगर ठीक नहीं हो रहा उनका 5 से 7 दिन के बाद, तो हो सकता है उनको साइनोसाइटिस हो। उसमें क्या होगा सिम्टम, उनको एक तो जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो आपको सुगंध आती आनी बंद हो जाएगी, या फिर गंदी सुगंध, बैड ब्रेथ, गंदी हो जाएगी, गंदी ब्रेथ, और खांसी आ सकती है, जो कि रात को थोड़ी ज़्यादा
आपको खांसी होगी और सुबह कम होगी, आपको थकान हो सकती है, मैलेज हो सकता है, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपके आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, फेस पे दर्द हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, हरे रंग का, व्हाइट रंग का या येलो रंग का। येलो व्हाइट रंग का मतलब ये नहीं कि वहाँ पस है या कुछ है, राइट। आपको थ्रोट गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है और पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो सकता है, बार बार खांसी खंग खंग होना। क्रोनिक साइनोसाइटिस में भी यही सिम्टम होते हैं, बस इतना है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस के सिम्टम थोड़े से कम होंगे और ज़्यादा दिन तक रहेंगे, जैसे 12 हफ्ते तक रहेंगे कम से कम, मान लीजिए ऐसे। और अगर बच्चों को साइनोसाइटिस हो रहा है, छोटे बच्चों को, तो उनको क्या होगा, उनको कोल्ड होगा, सर्दी खांसी होगी, रेस्पिरेटरी इलनेस होगा, सांस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि पहले पहले बेहतर होगी और फिर और खराब होती जाएगी, राइट, वर्स होगी। या बुखार ज्यादा हो सकता है उनको, यानी या फिर डार्क कलर का नेजल नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि एटलीस्ट 3 दिन तक आ रहा है, या फिर नाक से डिस्चार्ज ही आते जा रहा है खांसी के साथ या खांसी के बगैर, ज्यादा 10 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, राइट। तो वो एक साइन होता है बच्चों में। तो इसको कैसे एग्जामिन करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं? पहले तो डॉक्टर आपके नाक को देखेंगे, नाक के अंदर कोई म्यूकस भरा हुआ तो नहीं है, कोई डीएनएस नेजल सेप्टम डेविएटेड पॉलिप तो नहीं है, लाइट लगा के देख सकते हैं साइनसिस पे, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट कहते हैं इसे, पता चलता है इन्फेक्शन तो नहीं है, टैप करके देख सकते हैं साइनस टेंडरनेस, साइनस इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए। इसके अलावा ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ईयर नोज थ्रोट कान नाक घसा, कान नाक गला के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक छोटा नेजल एंडोस्कोप उनके पास होता है, फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप, जो कि एंडोस्कोप या राइनोस्कोपी भी क्या बोलते हैं इसको, वो अंदर से नाक से डाल के देख सकते हैं एक्चुअल साइनस जो इन्फेक्शन है वो क्या है कि नहीं है, राइट। वो एक अच्छी चीज होती है उनके पास। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही पता चल जाता है, एक्सरे करा के देख सकते हैं पैरानेजल साइनसिस का, वाटर्स व्यू का, और उससे भी पता चल जाता है अगर साइनस भरा है तो। अगर उससे भी नहीं पता चल रहा और लग रहा है कि साइनस साइटिस ही है, तो फिर एक सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन से पता चल जाएगा जो कि साइनोसाइटिस है कि नहीं, और स्ट्रक्चर पता चल जाएगा पूरा साइनसिस का, सही है गलत है। एमआरआई करके देख सकते हैं अगर डाउट हो रहा है कि कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई मान लो ट्यूमर तो नहीं लग रहा आपको कि भाई वहाँ कहीं ट्यूमर है, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारे टेस्ट हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस किए जाते हैं। अगर बच्चे को है साइनोसाइटिस, तो फिर बच्चे का अगर मान लीजिए ठीक ही नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं, बच्चे का एलर्जी टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं इम्यून फंक्शन के लिए, सीलियरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, नाक का नेजल सिस्ट साइटोलॉजीज, नेजल कल्चर्स, राइट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। ये फिर थोड़े स्पेशल टेस्ट हो गए जो कि क्रोनिक केसेस में होते हैं, जो बार बार ठीक नहीं होते उनके केस में। सो ट्रीटमेंट कैसे करना है? अल्टीमेटली ट्रीटमेंट, पहला बेस्ट ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर। पहले आपको खुद को ठीक करना है, सेल्फ केयर करके देखना है। कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग इसी से ठीक हो जाएंगे। सेल्फ केयर में गर्म और गीला, गर्म गीला कपड़ा आपको रखना है फेस के ऊपर बार बार, पानी खूब पीना है, जितना पानी पियेंगे उतना म्यूकस पतला होगा, म्यूकस ड्रेन हो जाएगा, साइनस ठीक हो जाएगा। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और स्टीम लेना है, भाप लेनी है दिन में 2 से 4 बार, और ज़्यादा जितनी बार बेहतर बेटर है। सिंपल भाप बहुत इंपॉर्टेंट बेहतर है, उसे कोई स्पेशल दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। डिकंजेस्टेंट दवा डाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, बट उसके लिए ध्यान में रखिए नाक में अगर डिकंजेस्टेंट डाल रहे हैं, नेजल स्प्रे है, ड्रॉप्स है ऑक्सीमेटाजोलिन का या नियोसिनेफ्रिन का है, तो उसको आपको इनिशियल टाइम पे तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन उसको लंबे समय लेंगे, 5 दिन, 6 दिन, 3 से 5 दिन, तो फिर हो सकता है वो आगे चल के आपका नाक और बंद कर दे, नेजल स्टफनेस। तो इसको कम यूज़ करें, सिर्फ ज़रूरत हो तब यूज़ करें, राइट। स्टीम लें, आप नेजल सलाइन डाल सकते हैं दिन में, नाक में सलाइन ड्रॉप्स या सलाइन स्प्रे डाल सकते हैं सेवरल टाइम, जितनी मर्जी बार डाल सकते हैं। ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिड रखने के लिए, राइट। आप सलाइन स्क्वीज बॉटल यूज कर सकते हैं साइनसिस फ्लश करने के लिए, वो भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको सर दर्द हो रहा है, साइनस पेन हो रहा है, तो फिर आप फ्लाइट में जाना अवॉइड करें, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अवॉइड करें, सडन चेंजेस इन टेम्परेचर, मान लो आप ठंडा और गर्म ना खाएं, ना बाहर जाएं एकदम अंदर टेम्परेचर हाई चेंजेस करें, सामने झुकना अवॉइड करें, हेड डाउन करना अवॉइड करें, मान लीजिए अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल, एसिटामिनोफिन ले सकते हैं, ब्रूफिन ले सकते हैं। और भी दवाएं आती हैं जो दी जाती हैं, जैसे
ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्यूट साइनोसाइटिस में, लेकिन अगर मान लो इन्फेक्शन नहीं जा रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो फिर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और उस केस में भी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा हेल्प नहीं करते, बस इतना करते हैं कि थोड़े जल्दी इन्फेक्शन ठीक हो जाता है अल्टीमेटली। और उसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर मान लो आपके बच्चों को नाक से डिस्चार्ज हो रहा है और वो 2 से 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा या ख़राब होता जा रहा है, फीवर है 102 से ज़्यादा, 102.2 डिग्रीज या 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लीजिए, और हेडेक है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द है, पे चेहरे पे दर्द है बहुत ज़्यादा ही, मान लीजिए आँख के आसपास सूजन आ रही है, तो एंटीबायोटिक देना चाहिए। और एक्यूट साइनोसाइटिस में आपका ट्रीटमेंट चलेगा 10 से 14 दिनों तक, क्रोनिक साइनोसाइटिस में आपका ट्रीटमेंट चलेगा 3 से 4 हफ्ते तक, ऑलमोस्ट 1 महीने तक, ये बात याद रखिए। कुछ लोगों को क्रोनिक साइनोसाइटिस में स्पेशल मेडिसिन भी देनी पड़ती है अगर उनका फंगल इन्फेक्शन है तो, राइट। तो इसीलिए आपके डॉक्टर अगर आपका ट्रीटमेंट करते हुए आपको ठीक नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं फिर स्पेशल मेडिसिन, ज़्यादा टेस्ट या आपको ENT डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे सकते हैं। और अगर साइनोसाइटिस ठीक नहीं हो रहा या बार बार हो रहा है तो आपको हो सकता है एलर्जी शॉट्स, इम्यूनोथेरेपी के बारे में सलाह मिले। एलर्जी शॉट्स क्या है उसके लिए आप एलर्जी वाला हमारा वीडियो देखिए। आपको एलर्जी हो रही है बार बार, सर्दी हो रही है बार बार, खराबी हो रही है ना उसमें, तो आप उस उन एलर्जी ट्रिगर्स को अवॉइड करें। नेजल कॉर्टिकोस्टीरॉइड स्प्रे ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हैं अगर स्वेलिंग हो रही है, स्पेशली अगर नेजल पॉलिप या एलर्जीज है तो। सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर मान लीजिए आपकी नेजल पॉलिप है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो उसको निकालने के लिए, या फिर साइनस ही की ओपनिंग बड़ी की जा सकती है ताकि साइनस जल्दी ड्रेन हो जाए और साइनस इन्फेक्शन ना हो, ये करा जा सकता है अगर मान लीजिए आपके सिम्टम ठीक ही नहीं हो रहे, 3 महीने हो गए, मान लीजिए आपको दिक्कत बढ़ती जा रही है या फिर हर साल 2 से 3 बार एक्यूट साइनोसाइटिस होता रहता है तो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और फंगल साइनोसाइटिस को भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ये बात याद रखिए। सो दैट इज वन थिंग। और ज़्यादातर साइनोसाइटिस सिर्फ सेल्फ केयर से ठीक हो जाते हैं या थोड़े से मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बार बार अटैक हो रहा है साइनस का, बार बार दिक्कत आ रही है, तो ENT डॉक्टर्स को दिखाइए, नेजल पॉलिप्स और ये वो चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप अवॉइड करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में भी एक पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसमें क्या है कि आपके साइनसिस में पस भर सकता है, आपको बोन में एक्चुअल इन्फेक्शन फैल सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसको बोलते हैं, दिमाग में मेनिंजिस में इन्फेक्शन फैल सकता है, मेनिंजाइटिस, स्किन में आपकी आँख में इन्फेक्शन फैल सकता है, राइट, जिसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोलते हैं, राइट। ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप नहीं इलाज करवाते तो। और ध्यान में रखिए अगर आपको आपके डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, 10 से 14 दिन हो गए हैं ठीक ही नहीं हो रहा, या कोल्ड आपका 7 दिन से ज़्यादा हो गया ठीक ही नहीं हो रहा, सिवियर हेडेक हो रहा है दवाई के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, बुखार है या सिम्टम्स आपके बढ़ते जा रहे हैं इन स्पाइट के आप दवाई ले रहे हो फिर भी, अगर ऐसा कुछ है या आपकी आंखों के विजन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना है। ग्रीन या येलो कलर का नाक से पानी निकलने में या म्यूकस आने में कोई डरने वाली बात नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है। तो क्या कुछ कर सकते हैं साइनोसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए? जी हाँ, कर सकते हैं। पहले तो आपको फ्लू कोल्ड अवॉइड करना होगा कि आपको सर्दी ना हो, वो सबसे जरूरी स्टेप है। पानी ज्यादा पीना है, खूब पानी पीना है, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं जिसमें कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप इन्फेक्शन रिजिस्ट करेंगे। आपको हर साल आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा सकते हैं, स्ट्रेस कम रख सकते हैं, अच्छे से सो सकते हैं, हर बार किसी से हाथ मिलाने के बाद हाथ धोइए, और रेगुलर हाथ धोना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि किसी से हाथ से फिर आपका इन्फेक्शन उनसे फैल सकता है आपको। इसके अलावा स्मोकिंग ना करें, धूल मिट्टी डस्ट पोल्यूशन में ना जाएं, ट्रैफिक सिग्नल्स में मुंह और नाक ढक के रखें, और आप डिकंजेस्टेंस ले सकते हैं अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है तो। एलर्जी होती है तो एलर्जी को जल्द से जल्द ठीक करें और एलर्जन से बचें। ह्यूमिडिफायर यूज़ करें ताकि आपका मॉइस्चर रहे आपके नोज में, साइनसिस में, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हुई बात सारी एलर्जिक या साइनोसाइटिस की, जिसको एक्यूट साइनोसाइटिस, साइनस इन्फेक्शन भी कहते हैं, राइट। तो साइनस में इतना ही सारी जानकारी, इससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। सो आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा है समझ में आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं,
ये मौसम है तो इसके लिए बचना, नॉलेज इज प्रिवेंशन, ये आपका चैनल है, इस चैनल को प्रमोट करें। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR, और इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी। सो ऑल यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी स्टे कनेक्टेड।